बार चलेगी झाड़ू, इस बार चलेगी झाड़ू। आपको विजयी बनाना है, ये सबने मिलकर उठाना है, झाड़ू का बटन दबाना है। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी योगेंद्र यादव को वोट दें, योगेंद्र यादव को जिताएं, क्योंकि योगेंद्र यादव ईमानदार और साफ सुथरे नेता है, क्योंकि योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता है और हरियाणा के इंचार्ज है। यही वो आदमी है जो भ्रष्टाचार के विरोध में बुलंद इरादों के साथ आपके साथ खड़े हैं। यही वो आदमी है जो वंशवाद के विरोध में आपके साथ खड़े हैं। यही वो आदमी है जो सांप्रदायिकता के खिलाफ आपके साथ खड़े हैं, योगेंद्र यादव, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। योगेंद्र यादव क्योंकि वो ईमानदार हैं, पढ़े लिखे हैं और प्रतिभाशाली हैं। योगेंद्र यादव की राजनीति है आम आदमी की राजनीति, जनता की भागीदारी से चलने वाली राजनीति। आओ मिलके साथ में आज के हालात में लाने हैं नए उजाले, बेहोशी की आदत के, झूठ की इबादत के, आंखों से हटाओ जाले। हाँ अब मेरी बारी है, मेरी जिम्मेदारी है, आंखें गाढ़े सच के साथ हूँ खड़ा। मिटने की तैयारी है, अब तो लंबी पारी है, सर पे जोश अब होश का चढ़ा। अब बदले तो युग बदले, अब बदले तो युग बदले। अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा। आम आदमी चुनाव नहीं है, ये चुनाव अरविंद केजरीवाल का चुनाव नहीं है, ये टोपी पहन के जो लोग खड़े हैं कार्यकर्ता, इनके घर में कोई बारात नहीं आ रही 10 तारीख को, ये चुनाव आपका चुनाव है। आप यूं समझ लो कि इस स्टेज पे आपके सामने मैं नहीं खड़ा हूं, एक झाड़ू खड़ी है, और इस चुनाव में फैसला ये होना है कि झाड़ू जनता के हाथ में आएगी कि नहीं। एक बार इस जनता के हाथ में झाड़ू आ गई ना, तो बड़ी बड़ी पार्टियों का सफाया कर देगी, भ्रष्टाचार का सफाया कर देगी, वंशवाद का सफाया कर देगी, कांग्रेस बीजेपी इनेलो को सफाया कर देगी। दोस्तों, जिन लोगों को हमने इस देश का चौकीदार बनाया था, ये चौकीदार कौन? ये एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी, पार्टियां, ये सब चौकीदार जिन्हें हमने लगाया था इस देश की बेहतरी के लिए, आज ये चौकीदार खुद चोर बन गए। चारों तरफ लूट हो रही है और ये चौकीदार उस लूट में शामिल हैं। आपके मेरे घर की चिंता नहीं कर रहे, ये अपना अपना घर भर रहे हैं, और अपना घर भर जाए तब भी इनका पेट नहीं भरता, एक पुश्त का इंतजाम करने के बाद अगली पुश्त का इंतजाम कर रहे हैं। इस इलाके को आज ये पूछना है कि क्या इस काम के लिए हम एमपी को भेजते हैं? इस इलाके को पूछना है कि यहां से एक बार फिर राजशाही की विजय होगी या कि आम आदमी की विजय होगी। अब जागो तो सब जागो, अब जागो तो सब जागो। हरियाणा का सबसे बड़ा अगर कोई धंधा है, सबसे बड़ा कोई उद्योग है, तो वो है जमीन के दलाल। चाहे वो जमीन का अधिग्रहण हो, चाहे उसका CLU हो, चाहे वो SEZ का मामला हो, चाहे कॉलोनी काटनी हो, इन सब चीजों में राजनेता मिलके दलाली कर रहे हैं तरह तरह के तरीकों से। कुल मिला के खेल ये है कि जमीन को किसान से हथिया लिया जाए
और उसको शहरों में बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े बिल्डर इनके हाथ दे दिया जाए। अक्सर लगता है कि ये सरकार आम आदमी की नहीं है, सरकार जनता की नहीं है, ये बिल्डर की सरकार है, बिल्डर चला रहे हैं इस सरकार को, बिल्डरों के लिए चल रही है सरकार। हरियाणा में इतने दलाल छोड़ रखे हैं, बिल्डर सभी पे पैसा लिया है, इतने बिल्डर आ रहे हैं तो सारा दो नंबर काम कर रहे हैं। ये जमीन इतनी महंगी जमीन है जो साथ में बिल्डरों ने खरीद रखी, आपने दिखाई दे रहा है ये खाली जो जमीन पड़ी सारी रिलायंस की SEZ की जमीन है, 5 गाँव की जमीन है जो SEZ में HSID रिक्वायर करके जो रिलायंस को दे दी गई थी। जिस टाइम कब्जा लिया तो हुड्डा साहब ने स्पेशल घोड़ा पुलिस, वैसी पुलिस गाड़ियाँ इतनी कई हजार कितनी सारा हरियाणा की पुलिस इन्होंने यहाँ भेज दी, यहाँ से लेकर वहाँ तक मतलब इतनी फोर्स थी कि कभी देखी नहीं हमने जिंदगी में। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का बॉर्डर पर नहीं पाओगे इतनी पुलिस। गांव के अंदर तो ऐसा कर दिया था, मंदिर के आदमी भयभीत हो गया था, भयभीत हो गया पूरा, हमारे तो गांव के रोड बंद कर दिया था जी, कोई आ नहीं सकता, जा तो सकता है पर लेकिन अंदर नहीं आ सकता। और कब्जा लेने वक्त पूरा रात को हमारी इसी गाँव की लेडीज को जेल खुलवा के अंदर डलवाया, वो दिखाया भी नहीं किसी ने, पत्रकार थे वे अपने इनके हो गए, सब इनके हो गए, किसानों की कौन सुन रहा है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत का ये इलेक्शन आ रहे हैं, इसमें हमारे 500 गांव का यही निर्णय है, अगले लोकसभा का जो हमारी मदद करेगा हम उसका साथ देंगे। आम आदमी पार्टी ने खुल के घोषणा की है कि भूमि अधिग्रहण होगा तो लोगों की सहमति से, लोगों को पता होना चाहिए क्यों उनकी भूमि ली जा रही है, किस काम के अंदर जाएगी, और जो भूमि अधिग्रहण पुराने कानून के तहत हुआ था लेकिन जो पूरा नहीं हुआ है उस सब को बंद किया जाएगा, नए कानून के तहत लाया जाएगा ताकि लोगों को बेहतर मुआवजा मिल सके। जब जमीन हमारे लिए भाव 12.5 लाख के हिसाब से पैसे दिए और इन्होंने रिलायंस को अंबानी को महंगे भाव बेची है, कमाने का तो कोई धंधा रहा नहीं, 12-12 लाख रुपए में क्या आता है जी। विकास तो जब देखो जब उस जमीन पे कोई विकास होया हो, इसमें ना तो हमारा कोई बच्चा लग रहा है ना और कुछ लग रहा है, तो विकास तो हो ही रहा है ना, इसको तो बर्बाद करने में इसने कसर नहीं छोड़ी। विकास यहाँ पुराने गुड़गांव में नहीं ना, इस साइड में विकास है तो जाके परली साइड में DLF साइड में है, इधर कोई विकास नहीं है, और 8 साल तक जो जमीन ले रखी उसमें एक भी कुछ नहीं लगाया इन्होंने। ये जो रिलायंस के SEZ वाला मामला है ये तो खुल्लम खुल्ला किसानों की जमीन लूटने का मामला है, जमीन ली जाती है SEZ के नाम पे, बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं और फिर चुपचाप से SEZ खत्म और अब मेगा सिटी शुरू और किसान की जमीन उठा के उसको पकड़ा दी। भाई क्या हक है सरकार को ऐसा करने का, किसान को फैसला करना चाहिए कि वो SEZ में जमीन देना चाहता है या कि मेगा सिटी में देना चाहता है, और अगर मेगा सिटी में नहीं देना चाहता तो उसकी जमीन किसान को वापस मिलनी चाहिए, नहीं तो ये तो लूट। मानेसर में जाके हमारा किसानों का मुद्दा उन्होंने उठाया था, केजरीवाल खुद आए थे हाँ। और हमारा मुद्दा भी उठाया था उन्होंने कही भी थी ये आपके साथ जाती हो, जो बात उन्होंने कहनी है साफ कह देते वो, ना अंबानी चढ़ रहे न किसी ने डरे। अगर आम आदमी पार्टी के पास अधिकार आता है, सत्ता आती है, निर्णय लेने की शक्ति आती है तो आम आदमी पार्टी कहेगी कि ये जमीन किसान को वापस मिलनी चाहिए, किसान फैसला करे कि वो अपने पास रहना चाहता है, काश्त करना चाहता है, SEZ में देना चाहता है या कि मेगा सिटी में देना चाहता है, सरकार कौन होती है फैसला करने। अब जागो तो सब जागो, अब जागो तो सब जागो। बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं इस देश में, जो लेटेस्ट घोटाला आया है वो है जी गैस का घोटाला। ये जो गैस का सिलेंडर वाली गैस होती है ना, उसको समुद्र के नीचे से निकालने का ठेका दिया गया था रिलायंस की कंपनी को, अंबानी जी की कंपनी को, रिलायंस कंपनी को। कितना बड़ा घोटाला है, कहते हैं 54,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, छोटी मोटी बात नहीं है, 54 करोड़ की बात नहीं हो रही है, 54,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। यानी कि हरियाणा सरकार पूरे साल में जितना खर्च करती है उससे ज्यादा का घोटाला है, और इस घोटाले का फायदा सबसे ज्यादा किसे मिलेगा, अंबानी की कंपनी रिलायंस को। सरकार चुप है, सरकार तो करवा रही है इसलिए चुप है। मैं पूछता हूं भाई विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष का तो काम होता है ना चिल्लाना, शोर करना, अरे गलत कर रहे हो, कुछ रोको, चोरी कर रही है सरकार। इस सवाल के ऊपर एक बयान इशू नहीं किया है कि भाई देश के साथ लूट हो रही है, चोरी हो रही है, इसे रोको।
नरेंद्र मोदी एक बार भी नहीं बोले। हमारे एक दोस्त ने कहा नरेंद्र मोदी के मुंह पे ताला है क्योंकि ये अंबानी का घोटाला है। और आज इस देश में एक आदमी आ गया है, एक आदमी है इस देश में जो कि चोर को चोर बोलने के लिए तैयार है। एक पार्टी है जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार है, वो आदमी है अरविंद केजरीवाल। और वो पार्टी जो मांग कर रही है कि बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, चाहे प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक कोई भी भ्रष्टाचारी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए, कान पकड़ो, जेल के अंदर करो, सख्त से सख्त सजा दो, वो पार्टी है आम आदमी पार्टी। दिल्ली में दिखाया कि मेरे आप जैसा आम आदमी इन बड़ी बड़ी पार्टियों के खिलाफ, बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ, बड़े बड़े खानदानों के खिलाफ, बड़े बड़े पैसे वालों के खिलाफ, मेरे आप जैसा आम आदमी चुनाव में खड़ा हो सकता है, लड़ सकता है और जीत सकता है। आम आदमी की सरकार बनी, सरकार ने कहा पहले दिन क्या किया, पानी फ्री, दूसरे दिन बिजली का बिल आधा, तीसरे दिन भ्रष्टाचार को रोकने का सिस्टम, और चौथे दिन से कान पकड़ पकड़ के भ्रष्टाचारियों को बाहर निकालना शुरू किया। पहली बार इस देश में डर लगने लगा भ्रष्टाचारी कि भाई ये झाड़ू वालों की सरकार आ गई, जरा बच के रहो। ठीक उसी तरह अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं इस जन लोकपाल बिल के आंदोलन करके आया था, इसी सवाल पे हमने पार्टी बनाई थी, इसी सवाल पे हमने चुनाव लड़ा था और इसी वायदे को लेके हमने सरकार बनाई थी कि ऐसा कानून लाएंगे जिसमें सब भ्रष्टाचारियों को रोकेंगे, सबको जेल भेजेंगे। अगर वो कानून बनाने से मुझे रोका जाता है तो मुझे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं, मुझे त्याग पत्र दे देना चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी एक हो गए, कानून नहीं बनने दिया। और जिस दिन कांग्रेस और बीजेपी ने कानून बनने से रोक दिया, पेश होने से रोक दिया, उसी दिन अरविंद केजरीवाल ने आप सबके सामने घोषणा की, मुझे नहीं चाहिए कुर्सी, मुझे नहीं चाहिए सरकार, ये लो मेरा त्याग पत्र। अगली बार जनता के पास जाएंगे, पूरी तरह जनादेश लेके आएंगे और फिर आपकी बात को सचमुच में लागू करेंगे। अब जागो तो सब जागो, अब जागो तो सब जागो। बीजेपी का देख लिया, इनेलो का देख लिया, दुनिया भर की जो पार्टी सबका देख लिया, एक आम आदमी पार्टी जिससे हमें कुछ उम्मीद है। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ आम आदमी की ही जरूरतों का ध्यान रखा है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत जैसे उनके विचार हैं, इस पार्टी के इतने अच्छे विचार हैं। हमारे देश की सभी पार्टियों से बिल्कुल अलग पार्टी है, इसकी विचारधारा बहुत अच्छी है। मैंने और पार्टीज को देख लिया, कुछ भी फायदा नहीं हुआ, देश वैसे का वैसा ही, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। दिल्ली में इनका बहुमत नहीं था इसलिए वो पूरा काम नहीं कर पाए। अगर वो सरकार में बने रहते तो वहाँ रह के वो किसी भी तरीके से पैसा कमा सकते थे, लेकिन दिल्ली में इन्होंने जो कहा था वो उन पे काम किया है। इसी तरह जब यहाँ भी आएंगे तो यहाँ पे भी काम करेंगे। योगेंद्र यादव तो कैसे सच्चे और ईमानदार इंसान हैं कि जो इस देश के लिए बहुत कुछ करते हैं, और उनकी विचारधारा इतनी अच्छी है कि जो नहीं चाहता वो भी उनके साथ जुड़ जाता है। ये ईमानदार हैं, और जो ईमानदार और सच्चे लोग होते हैं उनके इससे बड़ी खासियत तो कोई और हो ही नहीं सकती है। वो जीतेंगे क्योंकि हम सबके दुआएं उनके साथ हैं, हम सबकी मेहनत उनके साथ है। आज इस देश के सामने, इस इलाके के सामने, इस प्रदेश के सामने तीन बड़ी चुनौतियां हैं, और आज का यह चुनाव इन तीन चुनौतियों के इर्द गिर्द है। पहली चुनौती भ्रष्टाचार की, दूसरी चुनौती वंशवाद की, और तीसरी चुनौती सांप्रदायिकता की। पर ये बड़ी बातें मैं नहीं करूंगा, अपने इलाके में आप देखिए, 60 साल से यहां एक वंश का राज है।
स्वर्गीय राव बीरेंद्र सिंह और उनका वंश। 60 साल से एक वंश राज कर रहा है यहां पे। सवाल यह है कि ये लोकतंत्र है या राजशाही। 26 जनवरी हम मनाते हैं गणतंत्र की तरह, लेकिन ये तो राजशाही है। बाप के बाद बेटा, बेटे के साथ भाई, ये तो लोकतंत्र नहीं है। चलो राजशाही को भूल जाओ, सिर्फ ये पूछो कि भाई ठीक है, 50 साल में एक पार्टी ने, एक फैमिली ने राज किया, 60 साल उस परिवार को क्या मिला, वो तो सब लोग इस इलाके में जानते हैं। मेरे परिवार को क्या मिला, आपके परिवार को क्या मिला, इस इलाके को क्या मिला, इस सवाल का जवाब कोई नहीं है। आजकल खुद हमारे MP राव साहब इसका जवाब देते हैं। क्या कहते हैं कि भाई इस इलाके के साथ बड़ा भेदभाव हुआ। अब जब मैं सुनता हूं, मुझे समझ नहीं आता कि हंसूं के रोऊं इस बात पे। भाई कुर्सी पे कौन बैठ रहा था, भेदभाव तो हुआ, हर कोई जानता है। जब भेदभाव हुआ तो कुर्सी पे कौन बैठा था, कुर्सी पे तो आप ही बैठे हुए थे। तो या तो आप भेदभाव करवा रहे थे, या भेदभाव हो रहा था, आप आंख मीच के बैठे थे और कुर्सी को भींच के बैठे थे कि भाई कहीं कुर्सी इधर उधर ना हिल जाए, भेदभाव वगैरह छोड़ दो। आज अचानक आपकी आंख खुल गई। तो ये चुनौती है इस वंशवाद को तोड़ने की। ये वंशवाद हमारे समाज को, हमारे इलाके को, हमारे इलाके के पिछड़ेपन का अगर कोई कारण है तो ये वंशवाद उनमें से एक कारण है। आज वक्त आ गया है उस वंशवाद पे सवाल लगाने का। अब जागो तो सब जागो, अब जागो तो सब जागो। राजा अरे एक खड्डा पड़ गया, समझ लो नीचे हो गए कति, वो कहीं लायक ही ना रहे, ना मेरे बालक लग सके, ना मेरे परिवार को ऊपर उठ सके, ना पढ़ा सके, ना लिखा सके। बाप SP है तो बेटो भी SP बनना चाहिए, बाप सेशन जज है तो छोर भी सेशन जज की जगह बैठना चाहिए। ये कौन सुख की बात है, एक पढ़ा लिखा लड़का बहुत तो दर दर धक्का खा रहा है और उसके कोई पूछ ही ना रहे, उसके परिवार में वो तरक्की करा, मनवा जहाँ भेज रहे हैं, मनवा जहाँ पढ़ा रहे हैं। वंशवाद की राजनीति ठीक नहीं है। वंशवाद की राजनीति में ऐसा ना भी एक ही परिवार और दूसरे सदस्य को मौका मिलना, दूसरे का भी ना मौका आना चाहिए ना। ये सभी एक राजनीति में चलते हैं, जैसे हुड्डा का चल रहा है, चौटाला का चल रहा है, ये सभी एक ही चलते हैं सारे, लेकिन आपको विजयी बनाना है, ये सबने मिलकर खाना है। ये देश जब आजाद हुआ था तो ये नियम बना था कि भाई पाकिस्तान तो सिर्फ एक धर्म वाले लोगों का देश बन गया, लेकिन ये भारत किसी एक धर्म वाले देश का लोग नहीं बनेगा। ये भारत हिंदू के लिए है, मुसलमान के लिए है, सिख के लिए है, ईसाई के लिए है, सबको साथ लेके चलेगा ये देश। लेकिन आज इस देश में एक अलग आवाज़ उठ रही है। लेकिन मेरा धर्म है, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं सच बोलूं। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। किसी एक धर्म का बोलबाला हो, ये बात सुन के शुरू में तो गुदगुदी होती है, अच्छा लगता है, किसको ना अच्छा लगे। अगर मेरे गांव में कह दो कि अहीर लोग पूरे दुनिया पर राज करें, बड़ा अच्छा लगेगा सबको। लेकिन किसी एक धर्म का बोलबाला हो, उससे समाज आगे नहीं बढ़ेगा, देश में दिक्कत हो जाएगी, दोबारा हिंदू मुस्लिम के बीच में देश बटेगा और हिंदू मुसलमान का सवाल उठाएगा तो देश आगे नहीं पीछे जाएगा। ये खतरा है सांप्रदायिकता का देश के सामने। किसी को लड़ना है, किसी को बचना है। आम आदमी कोई भी जो है सांप्रदायिक दंगा नहीं भड़का सकता, जब तक उसको नेता के पीछे हवा ना हो, हाथ ना हो, समर्थन ना हो, जब तक आम आदमी थोड़ी झगड़ा करा सकता है। आम आदमी सब मिलजुल के रहना चाहते हैं, ये तो जो नेता ही कराते हैं। हिंदू मुसलमान सबको साथ लेके चले। हाँ, सबको साथ लेके चलना चाहिए, चाहे उसमें कोई जात है, चाहे कोई इंसान, बात तो रही ना फिर, सब इंसान एक है, सबको साथ लेके चले, गरीब है चाहे अमीर है। हाँ। न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए, और जायज बात को जायज
होनी चाहिए, नाजायज नहीं होनी चाहिए। इस बार चलेगी झाड़ू। आपको विजयी बनाना है, ये सबने मिलकर खाना है। दोस्तों, इस देश के सामने बड़ी चुनौतियां हैं और इस देश के सामने एक छोटी सी आशा है। ये आम आदमी पार्टी के पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास ना तो उतने पैसे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग हमारे पास नहीं है। ये हर गांव के अंदर लोगों को सेट करके दलाली करवाने का धंधा हमें नहीं आता। ये जो राजनेताओं की तिकड़मे चालाकियां, ये हमें नहीं आती। और चुनाव के 3 दिन पहले दारू की बोतल बांटने वाला धंधा, हमने कसम खाई है ये काम कभी ना करेंगे। चुनाव जीतने के लिए ना दारू बांटेंगे ना बांटने देंगे। हरियाणा में किसी एक चीज की बढ़ोतरी हुई है तो दारू। दूध घटा है, दारू बढ़ी। हर गांव में जाइए, बच्चे दारू पी रहे हैं। दिन के टाइम दारू पी के लोग टुन, परिवार टूट रहे हैं, औरतें परेशान हैं और पार्टियां चुप। कोई पार्टी बोलती नहीं इस सवाल के ऊपर। कहीं ना कहीं ठेके का पैसा, कहीं ना कहीं डिस्टिलरी का पैसा पार्टियों के पास जा रहा है। पहले बंद होगी तो शांति थी, हर घर में शांति थी। जब शराब पी के घर आ जाए तो बालक भी परेशान हुए, औरत भी परेशान हुए। तनख्वाह जो आधी या पूरी शराब में बर्बाद कर दे। खोज में पैसा ना हो तो कुछ घर में तो चीज बेच के भी दारू पीवे। हम बहुत परेशान हैं। सबसे ये शरीर को भी नुकसान देती है ना, तो सबसे पहले तो इंसान को अपने शरीर के बारे में सोचना चाहिए। एक वाइफ तो अपने हस्बैंड के बारे में यही सोचे कि भाई दारू बंद हो जाए, इसके हमारे छोटे बच्चे होते हैं, इनको पिता की जरूरत होती है। दारू तो छूटनी चाहिए, महिला तो सब राजी है, दारू छूटनी चाहिए। आम आदमी पार्टी कह रही है, खुल के कह रही है, इस दारू पे नियंत्रण करने की जरूरत है और इसकी चाबी होनी चाहिए औरतों के हाथ। औरतें तय करें कि उस गांव के नजदीक ठेका खुलना चाहिए या बंद होना चाहिए। दारू का ठेका खोलेगा तो महिला की परमिशन लेनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा है कि अगर लेडीज वोट करेगी तो ही उनके गाँव में ठेका होगा, अदरवाइज ठेका नहीं होगा। अब जागो तो सब जागो, अब जागो तो सब जागो। एक बड़े सवाल को लेके आए हैं, एक बड़े सिद्धांत को लेके आए हैं, ईमानदारी और सच्चाई की लड़ाई के लिए आए हैं। इसके लिए आपका सहयोग चाहिए। हम दिल्ली में भी जीते, इसी तरह जीते। लोग कहते थे बस्तियों के अंदर, कई बार कहते थे हमारी बस्ती में क्यों आ रहे हो, तुम जाओ, यहाँ हम कर लेंगे, तुम बार बार मत आया करो यहाँ पे, यहाँ का काम हम संभालेंगे, तुम जाके कहीं और काम कर लो। इसी तरह से इस आम आदमी पार्टी का काम चला है, इसी तरह से इसे चलना है। तो बस मैं आपको यही अपील करूँगा कि ये आपका कैंपेन है, आप इसे अपने हाथ में ले लो, आप इसे चलाओ। अभी पार्टी नहीं आई है और दिल्ली में भी इसने जो है सरकार बनाई है, विकास किया है। हिंदुस्तान में कांग्रेस को देखा, बीजेपी को देखा, लेकिन कुछ ऐसा नहीं मिल पाया जिसे हम सराहने कह सकें। सारी पार्टियों में जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का बीड़ा जो आम आदमी पार्टी ने उठाया है और ये इसमें कामयाब होने के लिए ये जनता बिल्कुल भी इस कैंडिडेट के साथ है। अच्छे आदमी है जी, भले आदमी है, अच्छे काम करेंगे, पढ़े लिखे आदमी है जी, इसलिए जीतेंगे। आपको विजयी बनाना है, ये सबने मिलकर खाना है। आइए हाथ बढ़ाइए और झाड़ू उठाइए, चलाइए झाड़ू भ्रष्टाचार पर, चलाइए झाड़ू सांप्रदायिकता पर, चलाइए झाड़ू दल बदलुओं पर, चलाइए झाड़ू वंशवाद पर। योगेंद्र यादव को विजयी बनाइए। Yeah.
आओ मिलके साथ में आज के हालात में लाने हैं नए उजाले। बेहोशी की आदत के झूठ की इबादत के आंखों से हटाओ जाले। हाँ अब मेरी बारी है मेरी जिम्मेदारी है आंखें गाढ़े सच के साथ हूँ खड़ा। मिटने की तैयारी है अब तो लंबी पारी है सर पे जोश अब होश का चढ़ा। अब बदले तो युग बदले अब बदले तो युग बदले। अंबर तक यही नाद गूंजेगा अंबर तक यही नाद गूंजेगा। आम आदमी जिंदाबाद।